हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक बड़े ही महान राजा चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में। हम बात करेंगे इनके जीवन के बारे में, हम बात करेंगे इनके साम्राज्य के बारे में, हम बात करेंगे इनके धर्म के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन के कामों को करवाया। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राजा अशोक, जिनको भारत में अशोका द ग्रेट की उपाधि दी गई है, यानी महान की उपाधि दी गई है, उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार था और इनकी माता का नाम शुभद्रांगी था। और बहुत से नाम हैं जिनसे राजा अशोक को बुलाया जाता है भारत में, जैसे कि अशोक वर्धन या फिर देव नाम प्रियदर्शी अशोक राजा। ये सब नामों से अशोक राजा को भारत में बुलाया जाता है। और कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार इस बात को माना जाता है कि अशोका ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवाया था। दरअसल इनके पिता जो कि बिंदुसार थे, माना जाता है कि उनके 101 बेटे थे जो कि उनको उनकी 16 रानियों से हुए थे। और कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये बात को माना जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था, यानी केवल एक भाई को जिंदा छोड़ा था। पर कुछ और ग्रंथ हैं, कुछ और लेख हैं, कुछ और लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों ने इस बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है और अशोक राजा को बुद्धिज़्म अपनाने से पहले बहुत ही क्रूर राजा दिखाने की कोशिश की गई है। तो उनका मानना है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को नहीं मरवाया था, पर अशोक ने अपने 6 भाइयों को मरवाया था। पर अधिकतर लोगों का मानना यही है कि राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवाया था। और राजा अशोक की 4 पत्नियां भी थीं। और अगर हम बात करें इनके साम्राज्य के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक राजा को एक महान राजा कहा जाता है, तो इनका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक था। और केवल तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर इनका राज्य था। जैसा कि आप सामने दिखाए गए मैप में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक राजा अशोक का, जो कि ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, वहां तक उनका राज्य था। और माना जाता है कि जो श्रीनगर है, इसकी स्थापना भी अशोक राजा ने ही की थी। आइए अब जानते हैं इनके जीवन के एक बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। माना जाता है कि इस युद्ध के बाद राजा अशोक का लगभग पूरा जीवन ही जैसे बदल गया था। तो ये युद्ध हुआ सन 261 ईसा पूर्व में, जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग, जिसकी राजधानी तोशाली थी और जहां का राजा नंदराज था। और इस युद्ध के होने का केवल यही कारण था कि राजा अशोक जो हैं कलिंग से हाथियों को जीतना चाहते थे। माना जाता है कि पिछले समय में जिस राजा के पास जितने ज़्यादा हाथी हुआ करते थे, वही उसकी उतनी ज़्यादा ताकत को दर्शाता था। तो इसलिए बहुत से हाथियों की प्राप्ति के लिए राजा अशोक ने कलिंग के ऊपर युद्ध किया। और माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 100,000 लोगों की मृत्यु हुई। पर इस युद्ध को राजा अशोक जीत गए। पर जब उन्होंने इस युद्ध के दुष्परिणामों को देखा, जब उन्होंने ये देखा कि एक युद्ध के बाद कितनी लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों का नुकसान हुआ, तो इस बात ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया और ये काफ़ी निराश हो गए। और माना जाता है कि यही वो एक पॉइंट था इनके जीवन में जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का रास्ता चुना। और माना जाता है कि मोगली पुत्र तिस नाम के एक बुद्धिस्ट मंक थे जिन्होंने इनका कन्वर्जन किया बौद्ध धर्म में। आइए जानते हैं कि इनके जीवन से कौन कौन से धर्म जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला धर्म था शैव धर्म। शैव धर्म में राजा अशोक का जन्म हुआ। दूसरा धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म राजा अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया था। और तीसरा धर्म था आजीविका संप्रदाय। माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि अशोक राजा ने अपनी मृत्यु के आखिरी समय में, अपने जीवन के आखिरी समय में, आजीविका संप्रदाय को अपना लिया था। आइए अब जानते हैं इनके द्वारा कराए गए विकास के कार्यों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो माना जाता है कि राजा अशोक ने अपने समय में बहुत सारे अस्पताल खुलवाए। दवाइयों के क्षेत्र में राजा अशोक के समय में बहुत शोध किया गया, बहुत सारी रिसर्च हुई। माना जाता है कि बहुत से कुएं अशोक राजा के समय में खुदवाए गए। और पब्लिक वेलफेयर में राजा अशोक का नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनवाया हुआ था जो कि केवल लोगों के कल्याण के ऊपर ध्यान दिया करता था, केवल पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया करता था, और जिसका ध्यान अशोक राजा खुद रखा करते थे। और माना जाता है कि जो जानवरों की जो बलि चढ़ाने की प्रथा थी, उसको राजा अशोक ने पूरी रीति से अपने राज्य में बैन करवा दिया था।
आइए बात करते हैं राजा अशोक के द्वारा कराए गए कंस्ट्रक्शन के कामों के बारे में। तो राजा अशोक ने 7 पिलर एडिक्ट्स को बनवाया था, जिनमें की तोपरा पिलर जो कि अंबाला हरियाणा में है, मेरठ पिलर जो कि मेरठ में है, लौरिया नंदगढ़ पिलर जो कि चंपारण में है, अलाहाबाद पिलर जो कि फिलहाल अलाहाबाद के किले में है, सांची पिलर, सारनाथ का पिलर, और सारनाथ का पिलर ही वो स्तंभ है जिसमें से कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया था, और आखिरी में रामपुर पिलर जो कि फिलहाल अभी राष्ट्रपति भवन में है। और भी बहुत से स्तूपों को राजा अशोक ने बनवाया था, जिनमें कि सांची स्तूप जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप भी माना जाता है, वो भी राजा अशोक ने ही बनवाया था। और भी बहुत सी शिलालेखों को राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिनमें कि उन्होंने अपने राज्य के बारे में, अपने युद्धों के बारे में और बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखवाया था। और फिर आखिरी में सन 232 ईसा पूर्व में राजा अशोक की मृत्यु हो गई। और ये थी राजा अशोक के पूरे जीवन की कथा, उनकी पूरी बायोग्राफी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।